हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका GTA 5 की एक और वीडियो में। तो भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि माइकल की जो बाइक थी वो उसको चीट कर रही थी उसके टेनिस कोच के साथ, और माइकल ने उसको पकड़ लिया था और जाके उसके घर को पूरा तोड़फोड़ कर दी थी। फिर उस बंदे की जान पहचान बहुत ज़्यादा थी किसी माफिया वाफिया से, तो उसने माफिया को फ़ोन करके हमारे पीछे पहले गुंडे लगवाए, हमारे ऊपर गोलियाँ चलवाई। फिर वो माफिया जो था वो खुद हमारे घर पर आकर हमको धमकी देके गया, उसने मारा भी हमको थोड़ा। आपने अगर लास्ट एपिसोड में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। अभी उसने हमको धमकी उमकी दे दी है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हें रहने नहीं दूंगा इस लॉस सैंटोस में, या तो तुम्हें मार दूंगा या यहाँ से भगा दूंगा। और फिलहाल तो भाई कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पीछे बहुत पावर है। बट हमारे पास एक प्लान है, और प्लान ये है कि हमारा एक दोस्त है लेस्टर, जो कि बहुत ख़तरनाक बंदा है। भले ऐसा वैसे ख़तरनाक नहीं है कि मतलब उसके पास बहुत बड़ी गैंग वैंग हो या वो यहाँ का माफिया वाफिया हो, बट उसके पास दिमाग जो है ना, उस बंदे का दिमाग पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं होगा। तो फिलहाल हमने उससे बात करी है और उसको बोला हमने कि भाई कुछ अगर कर सकते हो उस बंदे का, क्योंकि वो बहुत बड़ा हैकर वैकर भी है, तो उससे हमने बोला अगर वो कुछ कर सकता है। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन बदले में तुमको मेरी भी एक हेल्प करनी होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हेल्प करनी होगी, तो उसने बोला कि काम करो तो फटाफट से पहले मेरे घर आ जाओ, और वो बहुत दूर रहता है यार यहाँ से। बट कोई नहीं, फिलहाल हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि अब भाई हमको भी अपना काम निकलवाना है तो जाना तो पड़ेगा, और यहाँ से हाईवे पकड़ के काफ़ी दूर जाना है हमको। तो फटाफट से हम हाईवे, हाँ ऑलरेडी हम हाईवे पर आ चुके हैं, सामने हमारे हाईवे है। चल के देखते हैं उसको क्या काम है। बस यार कुछ ज़्यादा ऊट पटांग काम ना हो, इसकी वजह से हम और फंस जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना कांड कर दिया और हमारे पीछे माफिया लग चुका है, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। तो लेट्स सी के एक सेकंड यार, ओ भाई, अरे यार एक तो मैंने गाड़ी को ना बीच हाईवे पे रोक दिया। कोई नहीं भाई साहब, मेरी गलती, आप जा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ से चलते हैं इधर की तरफ। मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधा वहीं पर जाके मिलता हूँ। लेकिन यार एक बार ना आप लॉस सैंटोस का ये वाला हिस्सा भी देखो, क्योंकि हम हमेशा LA के जो सिटी है उसमें घूमते रहते हैं। अब हम थोड़ा बैकवर्ड एरिया, मतलब बोले तो थोड़ा गरीबों वाले एरिया में, हाँ मतलब बंदा गरीब वैसे गरीब नहीं है, क्योंकि वो हैकर है भाई, चाहे तो किसी का भी बैंक अकाउंट 2 सेकंड में खाली कर सकता है, वो इस लेवल का हैकर है। बट फिर भी वो इतना कोई शॉप वॉक नहीं है उसके, वो इतना प्रीफर नहीं करता किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने में। उसके पास तो आई थिंक, मेरे को लगता है गाड़ी भी नहीं है, बस वो अपना एक छोटा सा घर लेके जो भी बिल्कुल टूटा फूटा है जहाँ तक मुझे पता है, उसी में रहता है। और आगे जाके हमको राइट लेना है और उसका घर आ जाएगा हमके उसके घर के पास। ये वाला घर है क्या इसका? एक सेकंड, इधर से जाना है हमको भाई। फिर मैं बीच रोड पे ब्रेक मार रहा हूँ पक्का, तो ना कुछ गाड़ियाँ भीड़ भी आते हैं। ओके, तो इधर ही कौन सा घर है? ओके, ये वाला घर उसका है, लेस्टर का। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कर देता हूँ। चलो चल के देखते हैं अंदर भाई क्या काम है उसको। आई होप कुछ ज़्यादा फालतू का काम ना होता है ऊट पटांग जैसा। लेट्स सी। जी देखो भाई, बंदे ने अपने घर के यहाँ कैमरे कैसे लगवा रखे हैं। कोई जाना कहाँ है यार, एक तो इतना कचड़ा, मैं बोल रहा था ना थोड़ा बैकवर्ड एरिया, देखो कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है भाई। मेन गेट किधर है यार? मेन गेट आई थिंक, ओके ये वाला मेन गेट है, लॉक कर। ओ भाई ये देखो भाई साहब, ये तो बिल्कुल एकदम फुल हैक वाली सिस्टम है, देख रहे हो अंदर से ही पूरा एकदम। ओके फिलहाल से गेट खोल दिया है अंदर, देखे तो अंदर से बैठे बैठे इसने गेट खोल दिया यार। इधर ही है क्या वो भाई? इसका घर देखो। ओ भाई साहब, ओके मैं ये बताना भूल गया कि ये लंगड़ा भी है, थोड़ा लंगड़ा के चलता है। लेट्स सी, अभी उनको देखते हैं क्या काम बोलेगा। कुछ ढंग का काम बोले तो हम कर भी देंगे, खैर ढंग का नहीं भी बोलेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई साहब क्या बोल रहा है ये? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके। भाई यार ये तो, यार ये तो बिल्कुल छोटे मोटे काम,
खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया मैं। हाँ, चलो जी ओके। तो फिलहाल बात ऐसी है कि इसने हमको एक ऐसा काम बताया है, खैर यार मैं क्या ही बोलूँ उस काम के बारे में। आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये सब तो मत ही किया करो। तो मैं आपको बता दूँ एक बार कि एक कोई कंपनी है, जिस कंपनी के मतलब कोई बंदा होगा उस कंपनी का, उसके साथ इसकी कुछ बहस वहस हो गई थी। तो उसने अभी क्या बोला है कि उनका कोई पीसी वीसी ख़राब हो गया है, इसने इधर से बैठे बैठे उनके पीसी में कोई वायरस वगैरह डाल दिया उनके सर्वर में। तो ये मेरे को बोल रहा है कि फिलहाल तुम इस पैक को लेके वहाँ जाओ एज अ रिपेयरिस्ट, मतलब तुम उस लैपटॉप या जो भी सिस्टम कंप्यूटर है उसको ठीक करने के लिए जाओ। और वहाँ जाके इसके अंदर उसने एक हमको चिप दी है, वो चिप उसमें लगा देना ताकि जितना भी उनके कंपनी का डेटा है, कंपनी का, वो सारा मैं हैक करके और उनको एकदम मतलब उनकी नानी याद दिलानी है इसको, लेस्टर को। भाई देख रहे हो यार, ये बंदा है, ये इसका दिमाग देखो। अभी हम होते तो हम क्या करते, हम हमारा पीटी करते और उससे बदला ऐसे मतलब इस तरीके से हम अपना बदला लेते, लेकिन इस बंदे का दिमाग देखो कि पूरी कंपनी को घर से बैठे बैठे ही उस छोटे से कमरे से हैक कर देगा। बस उसको इतना सा काम करना है कि ये वाली जो चिप है ये उसमें लगानी है। तो फिलहाल फटाफट से चलते हैं हम और देखते हैं कि मेरे को लगता है कि यार इसने वायरस अब डालेगा, वो मेरे को ऐसा लग रहा है वायरस डाल के फिर उसका डेटा निकाले। खैर जो भी है वहाँ चल के पता करते हैं। उसने फ़ोन करके वहाँ पे ऐसे बोल दिया है कि मतलब एक हमने बंदा भेजा है तुम्हारे पास, तुम्हारा लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसको रिपेयर करने के लिए। देखते हैं भाई, बहुत ही धीक मतलब चालाकी से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको शक हो गया तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो तो अपने घर बैठा ही, एक सेकेंड वो तो अपने घर बैठा है, उसका तो कुछ जाएगा नहीं, जेल जाएंगे हम, क्योंकि हैकिंग इज़ इलीगल, आपको तो पता ही होगा। कोई नहीं, फटाफट सामने ही वो बिल्डिंग आ चुकी है, वो रही ब्लू वाली जो, एक सेकेंड यार, एक तो मैं गाड़ी कहीं भी घुसा देता हूँ, इधर ही जो ब्लू वाली बिल्डिंग है। अरे भाई बात कंप्लीट नहीं होती उससे पहले तो गाड़ी ठुक जाती है। सामने जो वाली बिल्डिंग दिखती है जो उस पर सेल लिखा है, वहीं पर हमको जाना है और हम पहुँच चुके हैं। मैं अब बोल रहा हूँ यूटर्न लेने को, पर हम यूटर्न क्यों लेंगे भाई जब हमारे पास ऐसा सिस्टम हो। कोई नहीं, हम पहुंच गए हैं। ओके सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ना अपनी ड्रेस चेंज करनी है, हमको ऐसा दिखना है कि हाँ भाई हम रिपेयर करने आए हैं। तो लेट्स सी क्या क्या आउटफिट है हमारे पास। माइकल पूछ रहे, लेस्टर ने हमको कुछ पैसे भी दिए थे, तो देखते हैं अगर हम कुछ खरीद पाते हैं तो। तो फिलहाल तो हम यहाँ से एक ये वाला ठीक लग रहा है, ओके आई थिंक ये वाला, ये नहीं वाइट वाला ठीक है, ये हमने ले लिया एक। हमको लेना है एक ग्लास या फिर हैट वगैरह, जो भी हमको अच्छा लग के देखेंगे, हम शॉर्ट से लेते हैं। ओके इस पर क्या मैच कर, वाइट मैच कर रहा है, चलो ठीक है। ओके तो फिलहाल हमारा जो आउटफिट है वो हो चुका है रेडी, अब हम निकलते हैं यहाँ से। भाई किधर जा रहा हूँ यार मैं, सामने जाना है ना। ओके फिलहाल यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और पहुँचते हैं उस बिल्डिंग के पास। मेरे को लगा यही वाली बिल्डिंग है यार, पर मेरे को भी कम से ध्यान आया कि हाँ ओके हमको वो भी करना है, चेंज भी करना है। ठीक है तो फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी को फटाफट से बहुत स्पीड से भगाते हैं। देखो लेस्टर का फोन भी आ गया। ओ भाई अभी तो ठकवाना हमको, लेस्टर बोल रहा है भाई ध्यान से कर रहे को। करेंगे तो ध्यान से ही, क्योंकि हमको भी फंसने का शौक नहीं है। फटाफट से बस अपनी गाड़ी को भगा के मैं पहुँचता हूँ वहाँ। ओके सो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा कर यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि सामने मेरे को बिल्डिंग दिख रही है और ये वो बिल्डिंग है, मेरे को इधर ही जाना है। ये थी पार्किंग, यहाँ पे लगाते हैं पार्किंग और अब हम जाते हैं एंट्रेंस पे। उसने मेरे को बोला नेस्टर ने भी फ़ोन पे कि जब तुम एंट्रेंस पे जाओगे तो तुमको वहाँ पे एक बंदा मिलेगा, वो तुम्हें ऊपर लेके जाएगा और वही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे तो कोई है नहीं भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को यार। फोन करूँ क्या मैं लेस्टर के पास? अच्छा ये आ गया भाई, आ गया बंदा आ गया। ओके ओ भाई ये मस्त सिगरेट विगरेट जलाता हुआ है, ले भाई की हम भी पीते हैं। हालांकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे कैंसर भी हो सकता है, तो ना भी हो तो ही ठीक है, बट कोई नहीं हमें क्या। तो फिलहाल बातें मारते और चलते हैं हम अंदर।
फिलहाल ये आपको अंदर लेके आ चुका है और ये मेरे को बोल रहा है कि तो सीधा मेरे पीछे आ जाओ और मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, इस वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा काम रुक चुका है क्योंकि एक प्रोग्रामर बंदा है ये। और भाई प्रोग्रामर तो आप जानते होंगे कि बहुत हैवी कोडिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से अभी कंपनी का काम बहुत ज़्यादा रुक चुका है और इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि डर क्या होने वाला है, खास करके इसके सिस्टम के साथ। तो मुद्दा ये है कि ये लेस्टर डालेगा उसके सिस्टम से वायरस इसके सिस्टम में, ताकि कंपनी इसको निकाल दे। ओके, फिलहाल से मेरे को सिस्टम बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे पॉपअप, अच्छा ये मेरे को बोला बहुत सारे पॉपअप आ चुके हैं, इसको कृपया करके ठीक कर दो। अरे भाई साहब ये तो गलत सीन है। ओके फिलहाल ये ठीक करते हैं हम, ठीक। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, पागल हो गया तो खुशी देखो इसकी। बेटा असली गेम तो खेलेंगे हम, तू देख बस। अभी हमको फिलहाल जाना है इधर। ओके इधर से जा रहा है क्या भाई, हम सर्वर रूम में आ चुके हैं इसके। अब यहाँ पे होगा मेन थी, ये वाली जो आप देख रहे हो फोन, इससे हमें अपने फ़ोन को रिप्लेस करना है, ये वाला जो है। बस इसके अंदर हम ये वाली चिप डाल देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ओके तो फिलहाल हमने अपनी ये वाली चिप डाल दी और हम चुपचाप से यहाँ से निकल लेते भाई, इसलिए देखा तो नहीं एग्जिट। भाई फटाफट से निकलते हैं बाबू, यार धीरे धीरे जाऊँगा। यार ये बंदे देखो यार पागल है क्या ये, देखो कोई उधर नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम कर रहे हैं ये लोग, मौज मस्ती करने आए हैं। मेरे को तो लगता है मौज मस्ती करने आए हैं। सही है भाई, ऐसी नौकरी मिल जाए तो, ये देखो इधर ये लोग खेल रहे हैं, ऐसी नौकरी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। और मैं फिलहाल धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि भागूंगा तो यार इन लोगों को शक हो जाएगा मैं इधर से आया था ना। हाँ ओके ठीक है, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के बाहर। एंट्री किधर है यार, एग्जिट किधर है ये रही। ओ भाई गाड़ी देखो बाहर, उधर धीरे धीरे चलते थे। चल भाई मेरे को गाड़ी छीनने वाली, निकल 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 चाली बारा। ओके चलो जी, लेस्टर को फ़ोन करके मैं बता देता हूँ कि भाई ये काम हो चुका है। हालांकि मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों करा, मतलब ऐसा क्या है उसने एग्जैक्टली हमको बताया भी नहीं, ना हमने उससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब करे हैं, क्योंकि भाई हमें अपना भी काम तो देखना है ना, तो इस वजह से हम ज़्यादा सवाल जवाब करें नहीं। हमने अपना काम निपटा दिया, जो उसने बोला था चिप को एक्सचेंज करने का और उस फोन के अंदर डालने का, वो हम डाल चुके हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई तुम इतना करके अपने घर निकल जाओ, तुम्हारा काम इतना ही था। बाकी रही उस माफिया की बात मार्टिन की, इसका नाम मार्टिन है, हालांकि उसको हम देख लेंगे, वो कुछ प्लान वगैरह बनाएगा। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने घर। ओके ये क्या बोल रहा है मेरे को, मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा है ये भाई। ये बोल रहा है कि तू घर में जा अपने, और घर में जाके टीवी ऑन कर। टीवी ऑन करने से क्या होगा, कह रहा है तू टीवी ऑन कर फिर तेरे को मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा है। एक सेकंड, ये बे यार एक तो ये टीवी देख रही है, इससे रिमोट छीनना पड़ेगा। तू निकल यहाँ से पूरे दिन टिक टिक, निकल ले जा खेल बाहर जाके खेल तू। हाँ ठीक है जा, मम्मी से बोलती हो। पता नहीं यार लेस्टर क्यों बोल रहा है। एक काम करता हूँ चैनल चेंज करके देखता हूँ। अच्छा हाँ उसने बोला न्यूज़ देखने को, न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है ये। वे तो ओके उसने बोला था जब तुम न्यूज़ देखो तो तुम्हारा जो फ़ोन मैंने दिया है उसमें एक बंदा होगा, उसको फ़ोन करना है। यार उसको जो करना है अपने फ़ोन से करे ना, मेरे फ़ोन से क्या मतलब। मेरे को लगता है उसने मेरे फ़ोन को हैक तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो इस जेल और इस जो भी बंदा है ये मेरे को नहीं पता। अब न्यूज़ पे आ रहा है तो कोई फेमस बंदा ही होगा, तो मेरे को नहीं पता यार ये क्यों करवा रहे हैं मेरे से। मेरे को तो यार बहुत पैसा फील हो रहा है कि कहीं मैं ही ना फंस जाऊँ उल्टा। ओके ये उसी कंपनी के प्रोग्राम वाले, ये कुछ ऐप वगैरह बता रहे हैं लॉन्च कर रहे हैं अपना, जिस कंपनी के लिए भी हम वो करके आए थे वायरस वगैरह जो भी उनको हमने हटाया था। बट लेस्टर मेरे को बोलना है जैसे ही ये ख़त्म हो और जेन और इस स्टेज पे आए, तू बस अपना फ़ोन निकाल के और उसको एक कॉल कर देना। और यार ये तो वही वाला फ़ोन है इसके हाथ में जो हमने चेंज करा था, जिसके अंदर हमने चिप लगाई थी। हाँ मेरे को लग रहा है इसमें, बट भाई वो पता नहीं कब आएगा। ओके उसने बोला तू बस कॉल करती हो, अब मेरे को जेन और इसका नंबर निकालना पड़ेगा।
जेल और इसी रहा भाई, फोन करता हूँ। ओके फोन मैंने मिला दिया है भाई, कुछ तो हुआ ही नहीं। ओ शिट, ओ भाई अबे भाई सा ले भाई ले, एक कांड से निकले नहीं तो दूसरा कांड और हो गया यार। ये लेस्टर भाई यार गलत फंसे हम तो, पर भाई यार ये लेस्टर क्या बंदा है यार, इसका दिमाग देख रहे हो, इसने खुद कुछ नहीं करके सारा कुछ हमसे करवा लिया। अब अगर कुछ बात आएगी भी मैं इसको बोलता हूँ पहले। यार ये तो गलत बात है यार भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब यार अब कुछ भी बात होगी तो यार फंसूंगा तो मैं ही ना, कि मेरे फ़ोन से मिस कॉल गई थी लास्ट बार उसके पास और मैं ही उस बिल्डिंग में गया था भाई। हालांकि लेस्टर ने फुटेज वगैरह सारी डिलीट कर दी होगी वहाँ से ऐड करके, बट स्टिल यार फिर भी मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ, कल को कुछ भी बात होगी तो मैं मारा जाऊँगा ना। एक तो ऑलरेडी मेरे ऊपर माफिया का खतरा था, मेरे ऊपर पुलिस का भी खतरा हो गया यार भाई। मैं क्या एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मेरे साथ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है भाई। इतने नफड़े नहीं झेल पाऊंगा मैं, इतने नफड़े मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा। मेरे को थोड़ा माइंड फ्रेश करने दो, टेनिस खेल के। अबे यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई हम भाई, कोई नहीं चलो उन्होंने कर दिया जो लेस्टर ने हमको बोला था। लेकिन अब देखना ये है कि क्या लेस्टर हमारी जो उसको हमने बोला था वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे को नहीं लग रहा कि वो कुछ कर पाएगा। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्लान के साथ, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और उस हम मार्टिन के बच्चे को किस साल से सबक सिखा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन दबा देना ताकि और ऐसी वीडियो वगैरह आती रहेंगी। तो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।